जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन से आरंभ किया, आज वो सर्वोत्तम भ्रष्ट, सर्वोच्च भ्रष्ट, उनसे अधिक भ्रष्ट कोई नहीं है, उस प्रकार की ख्याति प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। आप याद करिए, 2015 के मार्च के महीने में संसदीय सचिव पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अरविंद केजरीवाल जी अपॉइंट करते हैं 21 विधायकों को। जब उनके कान में यह खबर पहुंचती है कि आप शायद सोच रहे थे कि लोग जान नहीं पाएंगे, मगर आपने आईन को ताक में रखा है, संविधान को ताक में रखा है, तो रेट्रोस्पेक्टिवली एक कानून को लाने का प्रयास जून 2015 में कोशिश करते हैं। जून 2015 में एक कानून लाते हैं कि ये जो संसदीय सचिव का पोस्ट है, आप इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पोस्ट से बाहर रखिए, उसके परव्यू से बाहर कर दीजिए, और इसको रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाके अप्लाई करने में अलाउ करिए। ऐसा शायद पहली बार हुआ कि कानून आज बने मगर उसका पालन पीछे जाकर होगा, टाइम मशीन में ट्रैवल करके उसका पालन होगा। नतीजा यह रहा कि इसके सच्चाई को उजागर करने में भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी जी थे, इस विधेयक को उन्होंने पारित नहीं किया। पूरा विषय दिल्ली हाईकोर्ट में भी गया, वहां से विषय इलेक्शन कमीशन, और आज सच्चाई जो है जनता के सामने आ चुकी है। संविधान को ताक पर रखकर उनको लगता था कि जैसे पार्टी में कोई संविधान नहीं है, ठीक उसी प्रकार भारत के संविधान को भी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर बात पर वो संविधान को ताक पर रखते थे, आज पहली बार उनको एक बड़े रूप में आईना दिखाया है भारत के संविधान ने। जिन 12 आम आदमी पार्टी के एमएलए जो अरेस्ट हुए हैं, मैं उनका नाम पढ़ता हूं। आप देखिए आज आलम क्या है, 20 डिस्क्वालीफाई, 12 उनका नाम पढ़ूंगा जो अरेस्ट हुए हैं, श्री सोमनाथ भारती जी, श्री संदीप कुमार जी, श्री अमानुल्लाह खान जी, श्री नरेश यादव जी, श्री मनोज कुमार जी, श्री जितेंद्र सिंह तोमर जी, श्री दिनेश मोहनिया जी, श्री अखिलेश त्रिपाठी जी, श्री शरद चौहान जी, श्री प्रकाश जारवाल जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री जगदीप सिंह जी, और जिनके खिलाफ बड़े बड़े केस चल रहे हैं, उनमें अभी तो एक कैबिनेट मंत्री भी है जिनका नाम सत्येंद्र जैन है। आधे कैबिनेट के मिनिस्टर्स, चाहे कपिल मिश्रा जी हों, चाहे असीम मोहम्मद जी हों, चाहे संदीप कुमार जी हों, चाहे जितेंद्र सिंह तोमर जी हों, इनको बीच में ही छोड़ना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, असीम मोहम्मद, संदीप कुमार और जितेंद्र सिंह तोमर जी के ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे। डू दे स्टिल हैव दी मोरालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग इन गवर्नेंस इन दिल्ली विद दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, हाफ ऑफ देम इन जेल, आई मीन अरेस्टेड एंड सम टाइम वेंट टू जेल, 20 डिस्क्वालिफाइड, हाफ ऑफ देयर मिनिस्टर्स इन फैक्ट रिजाइन बिकॉज ऑफ करप्शन केसेस, सो डू दे स्टिल हैव दिस मोरालिटी ऑफ गवर्निंग ओवर दिल्ली? मगर जैसे कि लोग कहते हैं, नैतिकता और अरविंद केजरीवाल जी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। कीजिए सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को, साथ ही Facebook, Twitter, Instagram, Google+ पर भी फॉलो करें। LinkedIn पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।